आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी योग प्रशिक्षुगण, साधकगण, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के जरिए उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में आज दुनिया के लगभग 200 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके, विभिन्न विधाओं के साथ जुड़ करके भारत की ऋषि परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। ये भारतीय मनीषा की विश्व मानवता के कल्याण के लिए दिया गया एक उपहार है। हम सब जानते हैं, हमारी परंपरा कहती है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी शरीर के जितने भी साधन हैं, जीवन के जितने भी हमारे माध्यम होते हैं और जितने भी साधन हैं, यह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है। जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी वह किसी भी कार्य को संपन्न कर सकता है, वह साधक हो या सद्गृहस्थ, वह जीवन में किसी भी क्षेत्र में है, वह नौकरशाह है, वह उद्योगपति है, वह किसान है, वह मजदूर है, एक स्वस्थ शरीर से ही अपने कार्यों का संपादन कर सकता है, अस्वस्थ शरीर से नहीं हो सकता। लेकिन स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मस्तिष्क भी आवश्यक है, क्योंकि सामान्यतः शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम लोग व्यायाम या अन्य एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन स्वस्थ शरीर के लिए जो हमें एक स्वस्थ मस्तिष्क भी दे सके, यह जिस एक विधा के माध्यम से हम सबको प्राप्त होता है वह विधा है योग। योग की परंपरा को भारतीय मनीषा ने, यानी हजारों वर्षों की यह परंपरा हम सबकी विरासत का हिस्सा है। हम सबको योग की इस विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि आज हजारों वर्षों से जिसे हम अपने जीवन का हिस्सा मानते रहे हैं, वह आज वैश्विक मंच पर छाता हुआ, पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी आप इस बात को महसूस करते होंगे कि दुनिया के अंदर पिछले 3-3.5 वर्षों से जिस एक महामारी की चपेट में पूरी दुनिया आई थी, उस कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा, इस बात को महसूस किया होगा कि दुनिया के अंदर सर्वाधिक मांग अगर कुछ हो रही थी तो इस बात की हो रही थी कि भारत की आयुष की पद्धति ही हमें आरोग्यता, संपूर्ण आरोग्यता को प्रदान कर सकती है, यानी संपूर्ण आरोग्यता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत की ऋषि परंपरा के द्वारा, भारत के द्वारा मानवता के कल्याण के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया गया, आज दुनिया उसकी ओर आकर्षित कर रही है। भारत वैसे विश्वगुरु नहीं हुआ, जो कुछ भी है वह व्यवहारिक है,
पहले से प्रमाणित है और योग भी उसी परंपरा का हिस्सा है। आयुष की मांग, जो लोग पहले चाय पीते थे, अन्य कोल्ड ड्रिंक्स लेते थे, कोरोना कालखंड में सब काढ़े की काढ़ा की ओर चले गए। ये भारत की आयुष की देन है। हल्दी अन्य लोग, अन्य जगह लोग उपयोग करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन भारत की रसोई का एक प्रमुख हिस्सा रहा है और आज दुनिया के अंदर इसकी बढ़ती हुई मांग भारत के किसानों के लिए एक नए अवसर को भी प्रदान करता है। योग में प्राणायाम यानी जब सेकेंड वेव के दौरान आप सबने देखा होगा सबसे ज्यादा लंग्स पर प्रभाव पड़ा था, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो गई। कोरोना के जो हम लोगों ने देखे हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से खासतौर पर जो लोग ज्यादा श्रम करते रहे हैं उनके लंग्स भी मजबूत थे, उन पर बहुत प्रभाव कोरोना जैसी महामारी के नहीं पड़ पाए, वे स्वस्थ हो गए। थोड़ी अगर पहले तो कोरोना आया ही नहीं उनके पास, लेकिन अगर आया भी तो कुछ ही दिनों के अंदर वे आरोग्यता को प्राप्त कर लिए। उनके बीच में मृत्यु दर न्यूनतम थी, लेकिन जो लोग शारीरिक श्रम या श्वास जैसी प्रक्रिया के साथ नहीं जुड़ पाए उन लोगों को दिक्कत हुई, बहुत कष्ट हुआ था। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे परिणाम, ऐसे प्रकरण हम सबके सामने आए, देखने को मिले, जो चेतावनी देने वाले थे। और इसलिए प्राणायाम हमारे लंग्स को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत करते हैं बल्कि शारीरिक शुद्धि के भी माध्यम बनते हैं। योगासन न केवल हमें स्थिरता प्रदान करते हैं बल्कि शारीरिक सुदृढ़ता भी प्रदान करते हैं। और इसीलिए योग की इस विधा को आज विश्व मानवता के कल्याण के लिए अगर किसी ने दिया तो भारत ने दिया। भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी यह एक अवसर हम सबके सामने है, दुनिया के सामने है, और यह अवसर भारत को प्राप्त हुआ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात के लिए लोगों को नई प्रेरणा दी कि वास्तव में अगर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है तो विश्व कल्याण का मार्ग वह केवल और केवल योग से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। विश्व शांति का मार्ग कहीं से आगे बढ़ा सकते हैं तो योग उसका एक माध्यम बन सकता है। आज विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, यानी यद्यपि योग का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, हम केवल शारीरिक और मानसिक सुख जब स्वस्थ रहेंगे तब योग के, या तो व्यक्ति स्वयं भी अपने किसी कार्य को संपादित कर सकता है, एक योगी के लिए अध्यात्म के उस क्षेत्र में प्रवेश करने का मार्ग खोलता है जो चेतना के विस्तृत आयाम को आगे बढ़ाता है। चेतना के बारे में आपने देखा होगा कि उसके बहुत छोटे से भाग का हम उपयोग कर पाते हैं, लेकिन इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। उस चेतना के विस्तृत क्षेत्र में प्रवेश करने का एक माध्यम होता है, प्रवेश द्वार है योग। एक सामान्य सत्ग्रस्त के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए शारीरिक और मानसिक स्वस्थ होने का, आरोग्यता प्राप्त करने का माध्यम है योग। और योग की इस परंपरा के साथ आज दुनिया जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। आज दुनिया में जो विभिन्न प्रकार की, लोगों के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं, कोई शारीरिक बीमारियों से परेशान है, कोई तमाम प्रकार के तनाव से परेशान है, कोई पेट जनित बीमारियों से परेशान है, कोई तमाम अन्य प्रकार की आधी और व्याधि दोनों से प्रभावित है, इन सब में संपूर्ण आरोग्यता को प्रदान करने की दिशा में योग की बहुत महती भूमिका है। और योग की इस महती भूमिका की दृष्टि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रकाश है देश के सामने, दुनिया के सामने। योग की इस परंपरा में
सामान्यतः हम अष्टांग योग को महत्व देते हैं, इसमें यम है, नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की अलग अलग क्रमिक क्रियाएं हैं। लेकिन एक सामान्य रूप से जब आप इसको अलग अलग विधाओं के माध्यम से देखते हैं, जो अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं उनके माध्यम से आप देखते हैं, तो यह योग हम सबको शारीरिक और मानसिक शुद्धि का भी एक माध्यम प्रदान करता है। जैसे हठ योग की कुछ विधाएं हैं, उसमें प्रारंभिक कार्यक्रमों को खट कर्मों के साथ जोड़ दिया गया। कर्म धोती बस्ती नेति नौली त्राटक और कपाल भांति जैसी क्रियाएं, यानी शारीरिक शुद्धि, व्यक्ति देश काल परिस्थिति के कारण, खान पान के कारण या अन्य कारणों से अगर उसमें कोई शारीरिक विकार आ गया तो शारीरिक शुद्धि का एक माध्यम बनता है उनके लिए योगिक खटकर्म। इन क्रियाओं को, लेकिन ये क्रियाएं नियमित नहीं होती, उनके एक निश्चित पक्ष तय होते हैं, उसके रूप अगर कोई व्यक्ति उसका अभ्यास करेगा तो कायिक रूप से शारीरिक पूरी तरह स्वस्थ होगा। जो तमाम वात जनित, पित्त जनित, कफ जनित अगर कोई विकार उसके अंदर आ गया, उनसे उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। आसन एक सुदृढ़ता प्रदान करता है, शारीरिक सुदृढ़ता और स्थिरता। आप अनुमान करिए कि अगर आप एक आसन में, एक स्थिति में देर तक नहीं बैठ सकते, कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। आसन वो सुदृढ़ता प्रदान करता है, स्थिरता हमें प्रदान करता है। हमने शारीरिक शुद्धि और स्थिरता तो प्राप्त की, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी बहुत कुछ है। इस शरीर के अंदर नाड़ियां भी हैं, उन नाड़ियों की शुद्धि कैसे होगी? उन नाड़ियों की शुद्धि का माध्यम बनता है प्राणायाम, प्राणों का आयाम, उसका विस्तार शारीरिक शुद्धि के लिए, नाड़ियों की शुद्धि के लिए प्राणायाम उसका एक विस्तार देता है। अलग अलग प्रकार के प्राणायाम, आपको प्राणायाम के क्षेत्र में जब प्रवेश करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग प्रकार के प्राणायाम प्राप्त होंगे। आगे की क्रियाएं मन से जुड़ी हुई क्रियाएं, आप सब जानते हैं मन की अपनी विचित्र स्थिति होती है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, व्यक्ति के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण उसका मन होता है। एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन भी आवश्यक है। चंचल मन व्यक्ति को स्थिरता नहीं प्रदान करता है, चलायमान करता है और स्थिर हो जाता है व्यक्ति। मन को कंसंट्रेट न करने के कारण ही बहुत सारे लोगों में प्रतिभा होती है, लेकिन वह पारंगत नहीं हो पाते, अपने जीवन में सफलता के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। और इसीलिए मन के वृत्ति को, जो चंचल है, उसको नियंत्रित करने का माध्यम हमें योगासन देता है। योग हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करने का एक माध्यम प्रदान करता है। और वह किस रूप में, आपने इस बात को देखा होगा, प्राणायाम नाड़ी स्थिति का माध्यम तो बनता है, लेकिन साथ साथ हठ योग की जो विधा है वह आपको इस बात के साथ जोड़ती है कि मन को नियंत्रित करना सामान्यतः अत्यंत दुरूह कार्य है। ऐसा नहीं कि न कर सकते हो, लेकिन दुरूह कार्य है। लेकिन व्यक्ति के जीने के लिए प्राणायाम आवश्यक है, प्राण आवश्यक है, श्वास। और फिर श्वास को अगर आपने नियंत्रित करने का प्रयास किया, जो प्राणायाम के माध्यम से संभव है, इसमें अनेक क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं का हम, जिसे आप अगर नाथपंथ की परंपरा में देखें तो अजपाजप कह सकते हैं, बौद्ध परंपरा में उपासना कह सकते हैं, यानी अपनी श्वास पर ही ध्यान को केंद्रित करना। अगर हम उसको प्राणायाम के माध्यम से साध लें तो मन आपका नियंत्रित होता हुआ दिखाई देगा, चलायमान नहीं होगा और स्थिरता नहीं होगी। एक धैर्य, एक स्थिरता आपको जीवन में प्राप्त होगी। और फिर अगर आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया प्राणायाम के माध्यम से या अन्य योगी क्रियाओं के माध्यम से, तो शेष
योग के अन्य उच्चतर सोपान को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है, अलग अलग स्तर पर प्राप्त हो सकती है, लेकिन सामान्य साधक के लिए शारीरिक और मानसिक स्वस्थ बनाए रखने के लिए यह अत्यंत एक आवश्यक कार्य है। और आज के समय में आप देख रहे होंगे क्या स्थितियां चल रही हैं, जहां पे खान पान गलत है, भोपाधि वृत्ति ज्यादा है, वहां पे एक सामान्य ब्लड प्रेशर और शुगर से जुड़े हुए बहुत सारे पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं। दुनिया के अंदर जाकर के देखिए, कुछ देशों में तो इसका रेट 25 से 30 फीसदी तक पहुंच चुका है। एक डरावना दृश्य हम सबके सामने भी भारत के अंदर यह 10 से 12 के आसपास समय चल रहा है, और यह समय है जब हम इसको नियंत्रित कर सके, शुगर की स्थिति को नियंत्रित करना, ब्लड प्रेशर गुस्से को नियंत्रित करना, अनावश्यक तनाव को पालने की बजाय। आप देखते होंगे सामान्य जीवन में भी अगर कभी आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, उन स्थितियों में नियंत्रित कर लंबी और दीर्घ श्वास लीजिए। कभी घबराने की स्थिति आती है, लंबी और दीर्घ श्वास आप लेंगे, बहुत आराम आपको प्राप्त होगा, गुस्सा धीरे धीरे करके शांत होता हुआ जाएगा, और फिर आप देखेंगे कि आपकी उस पर मजबूत पकड़ होती, अपने क्षेत्र में आप पारंगत होते हुए दिखाई देंगे। अनावश्यक गुस्सा बहुत बार न केवल तनाव का कारण बनता है, बल्कि ऐसी भी घटना करा देता है जो बाद में पश्चाताप व्यक्ति को करना होता है। इसलिए इन सभी को नियंत्रित करने का एक माध्यम योग आपको देता है। बहुत सारी क्रियाएं हैं, शारीरिक शुद्धि होगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के बहुत सारे विकार अपने आप ही दूर होते में जाएंगे, पेट जनित बीमारियां दूर होंगी, श्वास से संबंधित विकार दूर होंगे, एक उम्र के बाद ज्वाइंट्स जो एकदम टाइट हो जाते हैं, व्यक्ति बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, उसमें आपको आराम होगा। धीरे धीरे करके उसमें अगर आप नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं, नियमित रूप से आपके अभ्यास का हिस्सा है, उसमें भी आपको आरोग्यता प्राप्त होगी, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। इसलिए योग की इस परंपरा को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाना, केवल 21 जून को ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बने, नियमित रूप से हम जरूर करें। और कुछ बहुत सारी कार्यक्रम ऐसे हैं जिनको हम कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने अपने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम तय किए ये योग प्रोटोकॉल का, आप इस योग प्रोटोकॉल को ही अपने अभ्यास का हिस्सा बना सकते हैं। सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम को अपने उसका हिस्सा बना सकते हैं, या फिर पवन मुक्तासन है उसके साथ आप सूर्य नमस्कार के बाद पवन मुक्तासन के कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ सकते हैं। थोड़ा बहुत संक्षेप, बहुत छोटे कार्यक्रम है, सूर्य नमस्कार में कई विधाएं योग की अपने आप समाहित हो जाती है। भुजंग आसन है, यानी आसन में यह है कि अगर आपने एक आसन आगे वाला किया है, झुकने वाला किया है, तो उसके लिए फिर आपको उसी प्रकार के उसके विपरीत आसन को भी उसके साथ अगर आप करेंगे तो एक समन्वय बना रहेगा। इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का एक नियमित अभ्यास जो आपको आरोग्यता की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उसकी प्रेरणा का दिवस है। और इसीलिए जो नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं उन सभी साधकों के लिए ही भारत की हमारी शास्त्रों की परंपरा क्या कहती है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि मयम शरीरम, यानी उसको बुढ़ापा नहीं आता, कोई रोग नहीं पकड़ता, किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं पड़ आती है, यानी वह व्यक्ति अपनी असमय मृत्यु को भी नियंत्रित कर सकता है जिसने अपने स्वयं के प्रयास से योगाग्निमय शरीर प्राप्त किया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात की प्रेरणा पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को और विश्व मानवता को प्रदान कर रहा है। मैं एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भारत की ऋषि परंपरा के प्रति हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए,
जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे, एक है लहू का रंग पहचान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। बोले भारत माता की।